कल इमरान खान साहब ने बहुत बड़ा इंकशाफ अपनी तकरीर के एंड में किया और इसके लिए मैं जरदारी साहब से, शहबाज साहब से और मौलाना फजलुर रहमान से पूछना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि गैर मुल्की ताकतें पाकिस्तान की सियासत के अंदर सरगर्म है, उनकी हुकूमत गैर मुल्की फंडिंग के साथ हटाई जा रही है जिसमें लोकल करेक्टर्स शामिल हैं, तो उनका इशारा वाजे तौर पर अपोजिशन रहनुमाओं की तरफ था कि ये गैर मुल्की फंडिंग और गैर मुल्की हाथ के साथ खेल रहे हैं। तो आज आप बता दीजिए कि क्या अपोजिशन किसी गैर मुल्की ताकत के साथ इन टच है? खान साहब के क्लेम पर आप कैसे कमेंट करते हैं? थैंक यू। शुक्रिया। पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब को पहले अपने गरेबान में झांकना चाहिए यह सवाल करते वक्त गैर मुल्की मुदाखलत। जो फॉरेन फंडिंग है उसके बारे में उनकी क्या राय है? फॉरेन फंडिंग पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक जहाँ जहाँ लिमिटेशन है और ममनू है उसकी सरियन खिलाफ वर्जी की गई। एक दूसरा, इमरान खान से हमारे इख्तलाफात हैं और ये हमारी जमहूरी जंग है उनके खिलाफ, लेकिन अगर वाकई कहीं गैर मुल्की मुदाखलत हुई है, अगर गैर मुल्की मुदाखलत पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ है तो आए, मैं चैलेंज करता हूँ, पार्लियामान में आए, वो लेटर लेके आए, दिखाएं पूरी पार्लियामान को, पूरी कौम को दिखाएं। अगर वाकई वो सबूत देंगे कि ये मुदाखलत है, गैर मुल्की पाकिस्तान के खिलाफ है, पाकिस्तान के वकार के खिलाफ है, तो मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँगा। और अगर ये वही झूठा लेटर है जिस तरह उन्होंने 27 अरब रुपए की करप्शन जावेद सादिक के जनाब मेरा फ्रंट मैन है और इस बात को 3 साल गुजर गए हैं, वो लेटर का लेटर है, इसी तरह का ये कागज़ है, और अगर वाकई इसमें सच्चाई है तो पार्लियामान में आए, पूरी पार्लियामान को एतमाद में लें, हम इसके ऊपर बात करेंगे।